द इंटरव्यू का सेकेंड पार्ट है, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल्स ऑन संडेज अम्बरतो इको। अब इस पार्ट में क्या है कि जो मुकुंद पद्मनाभन हैं, जो द हिंदू से हैं, वो अम्बरतो इको जो कि फेमस राइटर हैं द नेम ऑफ द रोज बुक के, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अम्बरतो इको कहते हैं कि आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल्स ऑन संडेज, कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे के दिन, रविवार के दिन नॉवल्स को, उपन्यास को लिखता हूँ। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट होता है अंश, पार्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बरतो इको। कहते जो नीचे का अंश दिया गया है वो अम्बरतो इको के इंटरव्यू का, इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार का एक भाग है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, ये नेम है मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन हैं। अम्बरतो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली। इटली हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस। सेमियोटिक्स क्या होता है? चिन्ह, प्रतीक का जो अध्ययन करते हैं, चिन्हों का जो अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं सेमियोटिक्स। कहते हैं हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न्ड टू राइटिंग फिक्शन। लिटरेरी मतलब, लिटरेरी का मीनिंग होता है साहित्यिक, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, मेडिवल मतलब मध्यकालीन, एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्यवाद, सौंदर्य से रिलेटेड, सुंदर चीज़ों से रिलेटेड। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। कहता है कि जो अम्बरतो इको थे वो इटली के एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जो कि बोलोगना में थे, वो एक प्रोफेसर थे इटली के बोलोगना शहर में, सिटी में की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। उन्होंने जो चिन्हों का अध्ययन होता है, सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं सेमियोटिक, सांकेतिक भाषा, साहित्यिक व्याख्यान, लिटरेरी मतलब साहित्यिक, इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन व्याख्यान, और मेडिवल मध्यकालीन, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र के बारे में अपने विचारों को, अपने थॉट्स को क्या कर लिया था कि एक विद्वान के रूप में वो पहले से ही प्रसिद्धि प्राप्त उन्होंने कर ली थी। फॉर्मिडेबल मतलब पहले से ही, रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि, सम्मान प्राप्त उन्होंने कर लिया था। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इज स्ट्रगलिंग, लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ये इनकी फेमस बुक है जिसकी वजह से इनको रेपुटेशन मिली, एक नाम मिला, पहचान मिली। कहता है स्ट्रैगलिंग क्या होता है? लड़खड़ाते हुए। स्ट्रैगलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। और इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बौद्धिक स्तर की। सुपरस्टारडम आपको पता ही है, प्रसिद्धि। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मीनिंग होता है प्राप्त करना। इसके बाद जो उनका रुझान हुआ, उनका जो इंटरेस्ट बना वो किसमें बना कि साहित्यिक कथाएं, शैक्षिक जो भी एजुकेशनल बुक्स थी, एकेडमिक टेक्स्ट एजुकेशनल बुक थी उनकी तरफ, एसेज निबंध की तरफ, बच्चों के लिए बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में जो लेख वगैरह लिखते हैं वो सब। कहता है उनका जो एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग,
वाइड रेंजिंग मतलब बहुत बड़ा जो संग्रह था बहुत बड़े पैमाने पर, कहते वो असीमित था, उसको हम नाप नहीं सकते थे। इन सब चीज़ों पर, इन सब टॉपिक्स पर उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं। और 1980 में उनकी जो बुक थी द नेम ऑफ द रोज, वो जब पब्लिश हुई तो उसकी विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़, उसकी 10 मिलियन 10 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज़, प्रतियां जिसको बोलते हैं, वो बुक बिकी थी। यानी कि उन्होंने किस किस टॉपिक पर लिखा, बच्चों के ऊपर बुक्स लिखी हैं उन्होंने, एसेज लिखे हैं, एकेडमिक टेक्स्ट भी लिखे हैं, शैक्षिक किताबें भी लिखी हैं, लिटरेरी फिक्शन मतलब साहित्यिक उपन्यास वगैरह उन्होंने लिखे हैं। कहता इन सब में उनका इंटरेस्ट था और सब चीज़ें उन्होंने लिखी है। लेकिन जो फेमस, सभी फेमस भी हुए हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली वो उनकी बुक थी द नेम ऑफ द रोज़। अब मुकुंद ने क्वेश्चन किया कि द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क, कि उन्होंने एक बार ये कहा कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज, ही मतलब इको डज। कहते जो इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और शिक्षा शास्त्री भी थे, अकेडमिक यानी शिक्षा से रिलेटेड प्रोफेसर, वो जो थे डेविड लॉज, उन्होंने एक बार कहा कि मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति कैसे इतने सारे काम एक साथ कर सकता है जितने कि वह करता है, यानी कि इको करता है, अम्बर्तो इको करते हैं। अम्बर्तो इको में भी आई गिव, अम्बर्तो इको ने क्या कहा कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कि हो सकता है कि मेरे तौर तरीकों से ऐसा लगता हो कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। कहते हैं अंत में जो मैं कन्विंस्ड होता हूँ, मुझे ये विश्वास है कि मैं जो करता हूँ वो सदा एक ही काम करता हूँ। मुकुंद विच इज़, वो क्या है इको, अम्बर्तो इको ने कहा कि आह नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, कि ये एक्सप्लेन करना, ये समझाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, फिलोसॉफिकल होता है दर्शन संबंधी रुचियाँ, एंड आई परस्यू देम, और मैं उन्हें परस्यू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, थ्रू माई अकेडमिक वर्क एंड माई नॉवल्स, अपने नॉवल उपन्यासों के द्वारा और अपने अकेडमिक शिक्षा से संबंधित जो काम है उनके माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यहाँ तक कि जो मेरी बुक है बच्चों के लिए वो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा एंड पीस और शांति के बारे में है। यू सी, तुम देखो, द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, एथिकल का मीनिंग होता है मॉरल, नैतिक, नैतिकता से संबंधित जो उसके दार्शनिक इंटरेस्ट हैं, दर्शन संबंधी इंटरेस्ट रुचियां हैं, उनसे संबंधित है कौन सी बुक, जो बच्चों के लिए उन्होंने बुक्स लिखी थी। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और तब मेरा एक रहस्य है, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड से, एलिमिनेट मतलब हटा दो या निकाल दो, एम्प्टी स्पेसेस मतलब खाली स्थानों को, कि अगर तुम ब्रह्मांड से खाली स्थानों को हटा दो, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, सभी अणुओं में से, परमाणुओं में से अगर खाली जगह को हटा दो तो क्या होगा, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फीस्ट, फीस्ट होता है मुट्ठी, हथेली के बराबर। कहता है तो जो ब्रह्मांड है वो मेरी हथेली के बराबर बन जाएगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, और समान तौर पर इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी
बहुत सारा खाली स्थान होता है। कैसा खाली स्थान होता है कि आई कॉल देम इंटरस्टाइस, और उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, अंतराल बोलता हूँ। इंटरस्टाइस मतलब अंतराल बोलता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, कि जब तुम, उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तुम्हें कि जब तुम मेरे घर आ रहे थे, यू आर इन एन एलिवेटर, तुम एक लिफ्ट में थे, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरस्टाइस, कि तुम्हारे ऊपर आने तक का जो समय है वो, जो अंतराल है, एन एम्प्टी स्पेस, वो एक खाली स्थान है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसिस, और मैं काम करता हूँ इन्हीं खाली स्थानों में, यानी कि वो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता। जहाँ पर भी उसे लगता है कि वो फ्री है, वो उस टाइम को अपने राइटिंग वर्क के लिए यूज़ करता है। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, कि जब मैं इंतज़ार कर रहा था फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आने का, यानी कि तुम्हारी लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आ रही थी, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं तब तक एक आर्टिकल, एक लेख लिख चुका था। लाफ्स, हंसते हुए अम्बरतोई को कहते हैं। मुकुंद, अब मुकुंद क्या कहते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, कि निश्चित ही, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर आदमी ये नहीं कर सकता। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. कहता है आपके non-fictional, गैर उपन्यासिक लेखन, writing जो है, your scholarly work, आपका विद्वत्तापूर्ण कार्य, बहुत ज़्यादा महान कार्य जिसको बोलते हैं scholarly work, has a certain प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, वो एक विशेष प्लेफुल मतलब चंचल, चंचलता से भरपूर, चपलता से भरपूर, एंड पर्सनल क्वालिटी, और एक विशेष व्यक्तिगत गुण रखते हैं आपके ये काम। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर अकेडमिक स्टाइल विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। कहता है एक साधारण शैक्षणिक शैली से ये बात बिल्कुल क्लियर है, अलग है, कि वो जो हमेशा लॉजिकल हैं, मतलब तथ्यपूर्ण हैं, और अक्सर बोरिंग, बोर करने वाले हैं, उबाने वाले तथ्य हैं, वो क्या हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उबा देने वाली हैं। इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड मतलब, पर्सनलाइज मतलब व्यक्तिगत रूप से, डीपर्सनलाइज अव्यक्तिगत रूप से, और इनवेरिएबली मतलब स्ट्रॉन्गली। वो बोर कर देने वाली चीज़ें हैं। Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? कहता है आपने जो है वो काफ़ी consciously, यानी कि सोच समझ कर, consciously का मतलब है यहाँ पर सोच समझ कर जो है इस अनौपचारिक शैली को अपनाया है। informal approach मतलब अनौपचारिक सोच को आपने अपनाया है, और आप में स्वाभाविक रूप से ही ये चीज़ें हैं, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से आपके अंदर ये गुण है। अम्बरतोई को, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डेजर्टेशन इन इटली, अब अम्बरतोई को कहते हैं कि जब मैंने डॉक्टरल डेजर्टेशन होता है, डॉक्टर की उपाधि, जब मैंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए अपना जो पहला शोध ग्रंथ है, एक जो पीएचडी करते हैं वो डॉक्टरल डेजर्टेशन उनको देना पड़ता है,
शोध पत्र किसी पर भी पूरी रिसर्च करके टॉपिक के ऊपर वो देना पड़ता है। तो कहता है जब मैंने अपना डॉक्टरल डेजर्टेशन दिया था इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर्स सैड, तो एक प्रोफेसर ने कहा कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस होता है परिकल्पनाएं, कल्पनाएं करना, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स मतलब निष्कर्ष। कहते तो एक प्रोफेसर ने कहा था कि जब विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत पढ़ते हैं फिर वे बहुत सी गलत अंदाजे लगाते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, फिर वे उन्हें सही करते हैं और अंत में फिर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन तुम उनके कॉन्ट्रेरी हो मतलब विपरीत हो। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, अपने पूरे रिसर्च की, अपने पूरे शोध की कहानी तुमने बताई है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहाँ तक कि तुमने अपने ट्रायल्स प्रयत्नों को और एरर्स गलतियों को भी बताया है। एट द सेम टाइम और उसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डेजर्टेशन एज ए बुक विच मीट ही अप्रिशिएटेड इट, अप्रिशिएटेड मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये बात भी एडमिट की, ये बात भी स्वीकार की उन्होंने कि मेरा तरीका सही था और मेरे कार्य को एक बुक के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए, पब्लिश किया जाना चाहिए, पब्लिश का मतलब था प्रकाशित करना, और जिसका अर्थ था कि उन्होंने मेरे वर्क को, मेरे काम को अप्रिशिएट किया है, उसको उसकी प्रशंसा की है, तारीफ की है। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। कहता है उस समय 22 साल की उम्र में मैंने समझा कि जो स्कॉलरली विद्वान, विद्वानों वाले जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, वैसे ही लिखी जानी चाहिए जैसे कि मैंने लिखी थी। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, जिस तरह मैंने अपने रिसर्च की, शोध की कहानी बताई, उसी तरह से सारी किताबें लिखी जानी चाहिए जो स्कॉलरली बुक्स होती हैं, विद्वानों वाली जो किताबें होती हैं वो। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नरेटिव आस्पेक्ट, और यही कारण है कि जो मेरे निबंध होते हैं, मेरे जो एसेज होते हैं वो वर्णात्मक पहलू वाले होते हैं, पूरा वर्णन उनके अंदर होता है, चाहे वो गलतियां हुई हों उनको लिखने से पहले, चाहे उसके बाद जो जो करेक्शन होती है, वो सब मैंने पूरी डिटेल में अपनी एसेज लिखे हैं। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नॉवल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। और कहता है वो शायद यही कारण है कि मैंने जो उपन्यास लिखना इतनी देर से शुरू किए, लगभग 50 साल की आयु में या शायद इससे भी अधिक, अधिक या कम। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवलिस्ट। कहता मुझे याद है कि मेरा जो प्यारा मित्र था रोलैंड बार्थ, हमेशा ये सोचकर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, निराश हो जाता था कि वो एक निबंधकार है, कहानी लेखक नहीं है। एक एसेइस्ट होता है निबंधकार, निबंधकार तो है लेकिन कोई उपन्यासकार या कहानीकार नहीं है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। कहता है वो किसी न किसी दिन कुछ क्रिएटिव, सृजनात्मक कार्य वो करना चाहता था, पर ऐसा करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कहता है मैं इस तरह की निराशा कभी भी महसूस नहीं करता। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल्स बाय एक्सीडेंट। कहता है जो मैंने निबंध लिखने शुरू किए वो एक्सीडेंटली
दुर्घटनावश शुरू किए। आई हैड नथिंग टू डू वन वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, कि एक दिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था और मैंने ये लिखने शुरू कर दिए। नॉवल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, कहते हैं निश्चित ही जो उपन्यास है उन्होंने मेरी कहानी कहने का जो शौक था उसको पूरा कर दिया। मुकुंद टॉकिंग अबाउट नॉवल्स, मुकुंद जो है वो उपन्यास के बारे में बात करें। फ्रॉम बींग अ फेमस अकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेक्युलरली, स्पेक्टेक्युलरली का मतलब है शानदार, बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं, स्पेक्टेक्युलरली इम्प्रेसिव भी बोल देते हैं। फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज यू हैव रिटन 5 नॉवल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। मुकुंद कहते हैं कि अगर उपन्यासों के बारे में बात करें तो द नेम ऑफ द रोज का जो पब्लिकेशन है प्रकाशन के बाद आप प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों से आगे बढ़कर एक चमत्कारी ढंग से, शानदार ढंग से फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए आप द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन के बाद, प्रकाशन के बाद। और आपने 5 उपन्यास लिखे हैं जबकि कितने ही नॉन फिक्शनल यानी के गैर उपन्यासिक ग्रंथ लिखे हैं, कम से कम 20 से भी अधिक। अब जब उसने 20 से भी अधिक कहा तो उम्बर्तो इको ने कहा कि ओवर 40, 40 से अधिक। मुकुंद कहते हैं कि ओवर 40, 40 से अधिक। अमंग देम इज सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, कहता है, और उनमें से एक तो सांकेतिक भाषा का के बारे में भी लिखा है आपने। सेमिनल होता है असली, रियल, और सेमियोटिक्स का मैंने बताया था मीनिंग सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का एक वास्तविक रूप है उनमें से। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट उम्बर्तो इको एंड दे विल से ओह ही इज़ द नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू, कहता है। लेकिन अधिकांश ज़्यादातर लोगों से अगर उम्बर्तो इको के बारे में पूछा जाए तो वे कहेंगे कि वो एक उपन्यासकार हैं, क्या इस बात से आप परेशान होते हैं, बॉदर मतलब परेशान होना, क्या इस बात से परेशान होते हैं जब लोग आपको नॉवलिस्ट कहते हैं। उम्बर्तो इको यस, उम्बर्तो इको ने कहा कि हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल्स ऑन संडे, क्योंकि मैं जो हूँ अपने आप को विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर मानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ संडे को, रविवार को उपन्यास लिखता है, रविवार को उपन्यास लिखता है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस, अकेडमिक मतलब शिक्षा संबंधी जो कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, सभाएँ होती हैं वो, एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, कहता है क्योंकि मैं जो शिक्षा संबंधी सभाएं होती हैं उनमें हिस्सा लेता हूँ, ना कि किसी पेन क्लब या लेखकों की, राइटरों की मीटिंग्स में। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपनी पहचान जो है एक अकेडमिक कम्युनिटी, शैक्षणिक समुदाय में पहचान बनाना चाहता हूँ। बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ़ दे मतलब मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग हैव रीड ओनली द नॉवल्स लव्स एंड श्रग्स, श्रग्स होता है कंधे उचकाना, श्रग्स का मतलब है कंधे उचकाना, हंसते हैं और अपने कंधे उचकाते हुए कहते हैं कि ठीक है अगर उन्होंने केवल मेरे उपन्यास ही पढ़े हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, कहता है कि मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर मैं बहुत बड़े पैमाने पर लार्जर ऑडियंस मतलब अधिक श्रोताओं तक पहुँचा हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑफ सेमियोटिक्स, कहता है मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मैं
1,00,000 लोगों तक भी पहुंच पाऊंगा। सेमियोटिक्स, टफ ऑन सेमियोटिक्स मतलब सांकेतिक भाषा पर जो मैंने बुक लिखी। स्टफ का मतलब होता है वैसे कूड़ा कचरा, कहते हैं सेमियोटिक्स पर जो मैंने स्टफ लिखा, कूड़ा लिखा, उस पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये आशा नहीं की थी कि मैं 1 मिलियन रीडर्स तक भी पहुंच पाऊंगा। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुंद ने अब कहा कि ये बात मुझे मेरे अगले प्रश्न पर ले जाती है। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल, बहुत ही गंभीर नॉवल था, उपन्यास था। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इंटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। मेटाफिजिक्स धर्मशास्त्र, थियोलॉजी रहस्यवाद, और मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास। कहता है एक जासूसी कहानी थी, डिटेक्टिव यार्न मतलब जासूसी कहानी थी ये, और जिसमें धर्मशास्त्र का यूज़ किया गया, रहस्यवाद का भी किया गया, और मध्यकालीन इतिहास का भी के बारे में भी लिखा गया। येट इट एन्जॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, मास मतलब पीपल से रिलेटेड है यहाँ पर। कहते तो भी इसे श्रोताओं ने अधिक पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इन सब बातों पर से हैरान होते हैं, पजल होते हैं? अमर्तो इको, नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, पत्रकार जो होते हैं वो हैरान होते हैं, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कई बार प्रकाशक जो बुक को छापने वाले हैं वो हैरान होते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक थ्रैश एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोगों को थ्रैश कूड़ा कचरा या फिर डिफ़िकल्ट चीज़ें जो हैं वो उनको पसंद नहीं आती, गंभीर चीज़ें जो हैं लोगों को पसंद नहीं आती। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, कि अगर आप समझें तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 10 and 15 million कॉपीज, और द नेम ऑफ द रोज की जो कॉपीज हैं, प्रतियां हैं, वो 10 to 15 lakh के बीच बिकी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो जो एक तरह से मैं केवल पाठकों के एक बहुत ही छोटे से प्रतिशत तक ही पहुंच पाया हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये बिल्कुल उसी प्रकार के रीडर्स थे, पाठक थे, जिनको सरल अनुभव पसंद नहीं थे, जो ईजी एक्सपीरियंसेस को, आसान अनुभवों को नहीं समझते, नहीं पसंद करते थे, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहते हैं। आई myself एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविज़न एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वाइस एंड और एमरजेंसी रूम, कहता है मैं खुद भी रात को डिनर के बाद 9 बजे टेलीविज़न देखता हूँ, और या तो मियामी वाइस देखता हूँ या फिर एमरजेंसी रूम देखता हूँ। ये 2 सीरियल के नाम हैं, मियामी वाइस और एमरजेंसी रूम। आई एन्जॉय इट, आनंद उठाता हूँ, एंड आई नीड इट, और मुझे इनकी ज़रूरत, आवश्यकता भी होती है। बट नॉट ऑल डे, लेकिन सारा दिन नहीं होती, यानी कि हर इंसान की पसंद जो है वो चेंज होती रहती है, कभी किसी की पसंद कुछ होती है और कभी किसी की पसंद कुछ होती है। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट, और मुकुंद ने कहा कि क्या उपन्यास की सफलता का जो संबंध है वो इस फैक्ट से है, इस तथ्य से है कि ये मध्यकालीन युग के बारे में, की अवधि के विषय में है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इसे सक्सेस मिली है। अम्बर्तो इको, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है ऐसा हो, पॉसिबल हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन,
क्योंकि मैं अक्सर जो है किसी समझदार चाइनीज व्यक्ति चीनी व्यक्ति की तरह कहानी सुनाता हूँ। वाइज मतलब बुद्धिमान समझदार। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड वाइल शी लव्ड माई बुक। मेरी एक अमेरिकन पब्लिशर थी, प्रकाशक थी, जिन्होंने कहा था कि वो मेरी बुक को पसंद करती है। शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन। कैथेड्रल होता है बड़ा गिरजाघर। कहता है फिर भी ऐसे देश में जहाँ किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा और लैटिन भाषा नहीं पढ़ी, उसे यकीन नहीं था कि 3,000 से ज़्यादा कॉपियाँ वहाँ बिकेंगी। ऐसा उस अमेरिकन पब्लिशर का मानना था। लेडी है ये, शी लिखा हुआ है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द USA। और कहता है अंत में मुझे 3,000 कॉपीज़ का एडवांस दिया गया, लेकिन अमेरिका में ही 20 से 30 लाख कॉपीज़ इसकी सोल्ड हुई, बिकी। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन। कहते हैं मेरे मध्यकालीन विषय में लिखने से पहले बहुत सारी किताबें इस विषय पर लिखी गई हैं, मेडिवल पास्ट के बारे में लिखी गई हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब रहस्य है। कहता है मैं सोचता हूँ कि जो इस बुक की सफलता है वो एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर। कि मैं सोचता हूँ कि अगर ये जो बुक है द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या बाद में लिखी गई होती तो इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो शायद इसे इतनी सफलता नहीं मिलती। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री। कि उस समय ऐसा क्यों हुआ ये एक रहस्य है। मिस्ट्री मतलब रहस्य है। तो ये जो लेसन था वो दो मेन करेक्टर हैं, मुकुंद पद्मनाभन और अम्बरतो इको। अम्बरतो इको के बारे में है मेन स्टोरी, उनकी बुक द नेम ऑफ द रोज के बारे में है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।